इंदौर के पलासिया क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक कपड़ा व्यापारी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव करने आया एक अन्य युवक भी इस वारदात का शिकार हो गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें हुआ यह था कि जो आरोपी थे कपड़े की दुकान में गए थे, कपड़े खरीदने के हिसाब से गए थे। वहाँ पर एक और जो कपड़ा वापस करने के लिए आया था साहिल नाम का लड़का, तो इनमें से एक का उसका धक्का लग गया। तो धक्का लगने पर इनका आपस में विवाद होने लगा। इसी विवाद के चलते जो है ये दुकान की जो मालिक है तो वो भी उनको बीच बचाव के लिए गए, तो इसी बात पर से इन लोगों ने चाकू निकालकर उनके साथ मारपीट कर दिया था। इसमें 4 लड़के के नाम आए थे और 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको कल पुलिस